ये जो है ना ये समर फ्रूट है, जाम, ये लाल जाम है और ये सफ़ेद जाम है। ये समर फ्रूट है और उनमें बहुत सारा पानी का कंटेंट होता है, तो मुंबई के वेदर को, ह्यूमिड वेदर को ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पानी पीने, ज़्यादा पानी पीने की जब इच्छा होती है तो ये खाने के बाद प्याज तुरंत भूख जाती है। तो वेरी वेरी समर फ्रेंडली। कहाँ से आता है ये? आता है अभी मुंबई से आप आगे जाओ ना टूवर्ड्स गुजरात वेस्टर्न लाइन से, तब घोलवड़ करके जगह है, घोलवड़ बोरीवली के आगे, वहाँ से आता है, वहाँ से खेती है यहाँ। मीठा है, अच्छा खासा इसमें वाटर कंटेंट है। ये समर्स में बेचते हैं और बाकी टाइम क्या होता है? ये खाली 3 महीने आता है। कौन से महीने से? अभी जैसे मार्च अप्रैल में, उसके बाद फिर क्या बेचते हैं? उसके बाद वो मकई का आता है, ये ऐसा वाला सफ़ेद वाइट वाला आता है, येलो वाला है। आर्य भवन में यहाँ पे साउथ इंडियन फूड है, हाँ। साथ में पाव भाजी भी है, हाँ। जो तो बिल्कुल क्विंटेसेंशियल मुंबई का, हाँ। डिश है, हाँ। और डोसा में अलग अलग वैरायटी का डोसा है, हमने मंगवाया रवा बिस्किट। रवा बिस्किट और ये रवा मतलब सूजी का ये डोसा है, हाँ। और छोटे छोटे डोसे हैं, इसके अंदर में चीज़ स्टफ्ड है, पूड़ी है, उसके बाद फिर बंद गोभी है, टमाटर है, शिमला मिर्च है और साथ में कोकोनट चटनी। कोकोनट चटनी एंड सांभर, ये सांभर में भी कोकोनट है। और इसको चटनी लगा के काफ़ी हैवी डोसा है, हाँ। अच्छा सर, इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है, हाँ। वो तवे पे करते ना, थोड़ा ज़्यादा देर रखना पड़ता है, देखो ना ब्राउनिश उसका जो ये आया है ना, थोड़ा ज़्यादा देर रखा इसलिए वो स्मोकी हल्का बर्न फ्लेवर जो होता, हाँ, है बर्न वो आ रहा है, बहुत शानदार स्कूटिया चटनी ऐसे। तो ये जो प्लेस है आर्य भवन, ये कितना पुराना है? पुराना एक्चुअली ये बहुत पुराना नहीं है, इनके जो मतलब जो ओनर है वो मुथुस स्वामी करके इस एरिया के बहुत बड़े कैटरर थे, सब 60 years बिफोर, तो उन्होंने ये चालू किया। तो इन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कीपिंग वेरी सिंपल मेनू इज़ वेरी सिंपल, थोड़ा सा साउथ इंडियन, थोड़ा सा फ्यूजन, थोड़ा सा मुंबई है, तो अब यू एक्चुअली सी वहाँ पे आपको डोसा मिलेगा, अलग तरह के इडलीज मिलेगा, कुछ स्पेशल साउथ इंडियन स्टैप जैसे इडियाप्पम, पनियारम, ये सब मिलेगा, स्ट्यू मिलेगा, उसके साथ पिज्ज़ा, पाव भाजी, ये सब और सैंडविचेस भी मिलेंगे, एंड देन कॉफ़ी तो है साउथ इंडिया का फेवरेट। फिर उन्होंने जो लोकल पैलेट है उनका भी ध्यान रखा है, साउथ इंडियंस है उनका भी ध्यान रखा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार डोसा था। रवा बिस्किट है, अब इसको रवा बिस्किट क्यों बोलते हैं ये समझ नहीं आया, रवा डोसा, मिनी रवा डोसा, चीज़ स्टफ डोसा है। एक्चुअली पहले ये कैसे आता था ना, आपको बताती हूँ, पहले ये ना एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसे बिस्किट के शेप में आता था, अच्छा, ऐसे टेस्टी था, काफ़ी अच्छा था, मतलब फ्यूजन डिश है ये, हाँ। ये पूड़ी, इसको इस इडली पे डालने का अच्छे से, इसके बाद घी को डालने का, हाँ। चीयर्स। घी का स्वाद आया? बहुत ही उम्दा। बीज में धनिया का पत्ता भी लगता है। अच्छा आप बताइए इस डिश को ब्राह्मण इडली क्यों बोलते हैं? एक्यूरेट मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे ऐसा समझ में आया कि इसका जो कोनिकल शेप है इडली का, इट मैचेस विद द हेड ऑफ ब्राह्मण हेड, जो शेप बनाते हैं, अच्छा, जो पूजा पाठ करते हैं पंडित के सर के तरह, इसलिए और इसलिए उसको ब्राह्मण इडली बोलते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि इसमें घी का बहुत ज़्यादा स्वीट सांभर है, थोड़ा सा मीठा है,
यहाँ पे खट्टा कम मिलेगी, ये इसमें ना खट्टा इसका ये नहीं है। आर्य भवन का थोड़ा सा स्वीटिश इस पे जाता है टेस्ट, ये इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ पे गुजराती पॉपुलेशन भी रहती है तो इसलिए सांभर थोड़ा मीठा रखा जाता होगा। यहाँ पे टेबल शेयरिंग पॉलिसी है, हाँ। मतलब हमारे साथ कोई भी आके बैठ सकता है, हाँ। मतलब अगर हम ये पूरा टेबल है एंड देयर लाइक फोर प्लेसेस अवेलेबल तो पीपल कैन सिट हियर। इट मुंबई में एक्चुअली इतना टाइम होता नहीं है टेबल के लिए वेट करने को, तो वो क्या करते हैं कि एक जगह कोई एक बैठा तो हाँ यहाँ पे बैठो, लोग खाते जाते हैं, दूसरा आता है। ये सिस्टम ना फोर्ट के साइड में बहुत दिखाई देता है। अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि आप किसी अन्यों के साथ बैठ के खा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, क्या पता बात करते करते दोस्ती हो जाए। बात करने का मुझे पता नहीं बिकॉज पीपल ईट एंड लिव। ये पीतल के डबरा में फिल्टर कॉफी देते हैं, पीतल ठंडा करता है जल्दी, बिल्कुल कड़क। सबको ऐसे ही सर्व करते हैं, ऐसे ही डाल के, उससे क्या होता है फ्रॉथ बन जाता है, झाग बन जाने का। अच्छा अच्छा लगता है, हाँ। अब जाके पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ। मैं सोचा था क्या ये अभी तक ब्राह्मण इडली ने बोला, लगता है कास्टिस्ट इडली है। मेरे ख्याल से इसका नाम ब्राह्मण इडली नहीं, आप इसको कप इडली बोल दीजिए या पूरी घी इडली बोल दीजिए, कुल्फी इडली बोल दीजिए। ये निकालना पड़ेगा छिलका, हाँ। मतलब हम निकालते, कुछ लोग खाते खा जाते हैं, हाँ। एक्चुअली ये कड़वा होता है थोड़ा। अरे ओके, एक काम कीजिए, ऐसे निकालिए साइड वाला। जब सर खा रहे तो मैं भी खा जाता हूँ, उसमें ही मजा आ जाता है। हल्का सा कड़वा है। नो, तो ये गर्मियों के समय मिलता है। अच्छा, वाह, इसमें तो बहुत, इसमें भी काफ़ी पानी है, पानी वाला। अगेन समर फ्रूट है इसका, जो अंदर ऐसे लग रहा है लीची खाते हैं ना, वैसा लग रहा है। ये समर में बहुत फायदे करेगा। इसमें क्या होता है, शुगर मिलता है, मतलब नेचुरल फ्रुक्टोज थोड़ा सा होता है, हल्का शुगर, तो डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, इवन प्रेग्नेंट औरतों के लिए, बच्चों के लिए अच्छा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार है। इसका जूस भी पीते हैं, तो यू कैन मेक मेनी कॉकटेल्स आउट ऑफ इट। स्किन के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये पाम फ्रूट है, तार, तार का फल। थैंक यू मनी सर, थैंक यू। बहुत मीठा है, मस्त है। नहीं, गर्मी में कितना एनर्जी बूस्टर का काम करता है ना, आपको पता है जैकफ्रूट उन पेड़ों में से है जिसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता। जैसे फल तो हम खा रहे हैं, अभी इसका बीज है, वो बीज कुकर में कुक करके वो ऐसे ही खाते हैं नमक के साथ, उसका सब्ज़ी बनता है। फिर ये तो पका वाला है, जो कच्चा वाला है उसका सब्ज़ी बनता है, बिरयानी बनती है, चिप्स बनते हैं, और उसका स्किन है उसको फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं। ये अमरूद लाल रंग का है, ये कहाँ से आता है, पेरू? ये बारामती, मतलब हम देखा वैसे विदर्भ वगैरह साइड में, मतलब थोड़ा ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड से आता है। ये वाला थोड़ा हाइब्रिड है, इसमें बीज कम है, थोड़ा हाइब्रिड है, हल्का है रेगुलर पेरू से, और मस्त लगता है, नमक और मिर्ची के साथ तो बहुत अमेजिंग लगता है। जैकफ्रूट भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, हाँ। लेकिन ज़्यादा मत खाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आप ये दो महीने लगाते हैं सिर्फ, ये जैकफ्रूट ये कब कब चलता है फनस? अभी जुलाई लास्ट तक चलेगा, जुलाई तक लगेगा, उसके बाद फिर लास्ट तक अगस्त भी चल सकता है। उसके बाद क्या करते हैं उस समय? मैं ये पेरू बेचता हूं। फिर पेरू बेचते हैं, वो पेरू दूसरा वो आता है ना अपना लोकल, वो पेरू, ये पेरू अभी थोड़ा गिरा का डिमांड आया करके रखता है, नहीं तो हम फनस चालू होने के बाद पेरू बंद करता है, पेरू नहीं बिकता है।
इसका थोड़ा गिरा के लोग बोलता है लाओ लाओ, इसके लिए दिन में 10 किलो। तो कब से कब तक ये बेचते हैं फनस? ये अभी फरवरी से चालू होता है, तो फरवरी से अगस्त तक ये चलेगा, उसके बाद फिर पेरू लास्ट तक चलेगा, उसके बाद अगस्त से जनवरी फरवरी तक पेरू चलेगा हमारा। और क्या रेट चल रहा है ये वाला? अभी 160 रुपये किलो है वो, अब ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये को ऊपर नहीं जाता है। काफ़ी हल्का है, लाइट है, हल्का नहीं है, इसमें क्या बिया नहीं है, वो बिया रहेगा तो जाने। और ये कैसे चल रहा है इसका रेट? 50 रुपये पाव किलो, 50 रुपये पाव, 200 रुपये किलो। कहाँ से आता है ये? ये मद्रास से आता है। मद्रास से मुवासी मार्केट में लोड आता है। अच्छा, मैंने इनफैक्ट इसको खाया भी, फर्स्ट टाइम मदुरई में था वहाँ पे खाया था मैंने। यहाँ पे बहुत मिलते हैं, यहाँ का तो ये ना थोड़ा छोटा होता है, मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा छोटा होता है, ये वाला बहुत बड़ा, ये काटने में बहुत मुश्किल है। हाँ ठीक है स्वर्णा जी, थैंक यू, बाय। ये मंदिर है राम जी का, उसको अभी नेक्स्ट ईयर 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत मस्त है अंदर, यहाँ पे पूजा पाठ, वैदिक रिचुअल्स, शादी, उपनयन सब होता है। दिखता थोड़ा मॉडर्न है लेकिन पुराना है। नहीं मॉडर्न तो नहीं लग रहा मुझे, काफी कलर है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। यहाँ तो क्रॉस रोड क्रॉस करते ही कॉफ़ी खुशबू आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू है यहाँ। ये आग बंद करके कॉफ़ी का स्मेल है, समझ नहीं कमाटूंगा। तो 1940 से यहाँ पे ये रेस्टोरेंट? यस, और इसको नाम कुछ साल कंप्लीट हुए थे, उसके बाद आई थिंक 70 ईयर्स कम हुए, तब उन्होंने 1940 के रेट्स लगाए थे, नहीं तो 1 रुपया 3 रुपया ऐसा वाला। ये बेसन वाली कड़ी है? हाँ बेसन वाली कड़ी है, और साथ में बड़ा सॉफ्ट बड़ा है और कड़ी पतली है, बहुत और हल्की खट्टी है, ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये वाला कॉम्बिनेशन मैंने फर्स्ट टाइम खाया था शारदा वन, जहाँ पे हम जाने वाले थे, लेकिन वो बंद है वहाँ पे। ये चीज़ इतना अमेजिंग मिलता है, ये तो अच्छा है ही, लेकिन वहाँ पे इतना अमेजिंग मिलता है ना, तो आप एक प्लेट से काम नहीं चला पाओगे, बहुत मस्त है। लाइट है, वेरी लाइट। तमिलनाडु में कहीं नहीं खाया मैंने, ये इन्हीं की डिश है, इन्हीं की क्रिएशन है। आई थिंक ये यहाँ पे ही मिलती है, क्योंकि ये कड़ी है ना, ये टिपिकल महाराष्ट्रियन कड़ी जैसी, अदरक, थोड़ा खट्टा दही, लाल मिर्च, पंजाबी कड़ी, गुजराती कड़ी हमने तो खाई है, ये वाला महाराष्ट्रीयन कड़ी जितना, मतलब गोज नियर टू महाराष्ट्रीयन, पता नहीं ये कॉम्बिनेशन जिसने निकाला है ना, माँ कसम बहुत अच्छा है, एकदम झकास, एकदम झकास। ये तो डिश है एकदम, जो मुंबई का ह्यूमिड वेदर है, जो बिल्कुल गर्मी है उसके, उस समय के हिसाब से अच्छा है ना, लाइट अच्छा लगा कड़ी मुझे। इनफैक्ट मुझे खूब बड़ा भी अच्छा है, कड़ी ज़्यादा पसंद आई। बड़ा बहुत क्लब है, ये अलग वाला बड़ा है, ये दही बड़ा वाला बड़ा है, जो पूरा दाल का, हाँ सांभर वाला बनता है ना वो अलग होता है। ये पान पोली है? हाँ। ये बनाना लीफ? यस, पान मतलब लीफ एंड पोली मतलब रोटी, जो पान के अंदर स्टीम किया हुआ रोटी। बहुत रिच है, इसमें केला है, कोकोनट है, घी है, ड्राई फ्रूट्स है, जैगरी है, बहुत टेस्टी है। इसके ऊपर ना थोड़ा और घी डलता है ना, तो बहुत मज़ा आता है, थोड़ा गर्म होता है मज़ा, थोड़ा ठंडा है। रिफ्रेशिंग ड्रिंक कोकम, किस तरह से हम लोग इमली इस्तेमाल करते हैं उस तरह से महाराष्ट्र खाने में कोकम का इस्तेमाल होता है? एग्जैक्टली सब महाराष्ट्र में नहीं होता, मोस्टली कोकम एरिया में होता है, क्योंकि वहाँ पे कोकम के फ्रूट्स बहुत मिलते हैं, और कोकम जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो उसका ड्राइड रूप है, एंड कोकम के फ्रूट्स के साथ क्रश होता है, जो शरबत में यूज़ करते हैं, और वो वाला कोकम है ना उसका जो सिरप नहीं होता, पानी वाला जो बनता है उसको कोकम आमर बोलते हैं, जो डिफरेंट का कढ़ी, मतलब जो
कढ़ी होता है, रसम जैसा बहुत सारी चीज़ें होती है कोंकण में मोस्टली, फिर फिश को मैरिनेट करने के लिए उसमें बनाया जाता है, खट्टा करने के लिए, खट्टा करने के लिए, क्योंकि कोकम इज एसिडिटी रेगुलेटर, कोकम पिया ना तो एसिडिटी बहुत सारा ये हो जाता है, डाइजेस्टिव है, अगेन समर फ्रूट है, मिलता तो सब टाइम लेकिन स्पेशली समर में इसको कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो धूप का जो हमें लगता है ना धूप उसका इफेक्ट कम करता है, मजा आ गया, एनर्जी बूस्टर, एनर्जी बूस्टर, ये रसम बड़ा, रसम बड़ा, ये भी स्वीटनेस है इसमें भी, मुझे लगा था कि रसम खट्टा होगा, मीठा रसम है ये, जिंजर लेमन आ गया। तो इस रेस्टोरेंट के बारे में बताइए, ये कब से है यहाँ पे? एक्चुअली काफ़ी पुराना है, अगर इसका आर्किटेक्चर वगैरह देखोगे ना तो ये वाला पूरा पुराना लकड़ा है, तो इसको कम से कम 70 इयर्स तक हो गए, 50-70 इयर्स पकड़ते चले। ये उड़ीपी होटल में आप स्टैंडर्ड ये चीज़ें देखोगे, शरबत मतलब लेमन शरबत, जिंजर लेमन और कोकम शरबत, कोकम शरबत इज मोर महाराष्ट्र। तो ये बनाते हैं ये डिश जो नैयप्पम है, ये सिर्फ वेडनेसडे को हफ्ते में एक दिन बनता है बस, ऐसे ही एक पहाड़ी डिश होती है इसको बोलते हैं अरसे, सेम चीज़ है, मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज़ में ये बिल्कुल ये मिलता जुलता टेस्ट आपको मिलेगा, यही जो बताया अपने चावल गुड़ केला ड्राई फ्रूट ये सब डाल के बनाते हैं कहीं, और जैसे एक और डिश होती है गुलगुले, लेकिन इसमें गेहूँ का आटा इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी मैदा भी हो सकता है, लेकिन ये चावल है, ये चावल। इसका ये जो साइड है ना कॉर्नर्स, ये खाने में मज़ा आता है, सही कुरकुरा लगता है। गुआवा का टेस्ट है इसमें, उसके गुआवा के पीसेस भी है, हाँ सीड्स भी आ रहे हैं, पीसेस भी आ रहे हैं, मैंगो बंस उसको बन बन बोलते हैं, बन पूड़ी, हाँ बिल्कुल फ्रेश गर्मा गर्म। ये सबसे टेस्टी चीज मैंने टूर में खाया है, इसमें क्या क्या मिलाते हैं, मैदा होता है, हाँ। और मैदा केला शक्कर थोड़ा, एक चटनी तीखी है उसके साथ बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा बन पूरी खाने में, माइल्डली स्वीट सॉफ्ट और फ्लफी भी, बहुत बढ़िया, मुझे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया है, शीरा और साथ में पूरी खाने का, तो यहाँ पे पाइनएप्पल शीरा भी मिलता है और गुआवा शीरा भी मिलता है, और सीजन में मैंगो शीरा भी मिलता है, मैंगो शीरा और कितना बाकी है, अभी नहीं है, फ्रेश मैंगो डालते हैं, क्या बात है, मतलब मैं अपनी बताऊँ कि यहाँ पे साउथ इंडियन फूड उतना ही लोग प्रेफर करते हैं जितना लोकल यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है, इक्वली पॉपुलर, और इसको पॉपुलर करने वाले वो लोग हैं जो उदुपी से यहाँ पे आए, और उदुपी जो है एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, बेंगलोर के पास, वहाँ से लोग आए, वो टेंपल टाउन है इनफैक्ट, और जो वहाँ का खाना है वो टेंपल क्विजीन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो वो लोग आए और उन लोगों ने आके मुंबई के लोगों को सिखाया उस खाने के बारे में, साउथ इंडियन खाने के बारे में, उन्होंने इडली वड़ा डोसा उत्पम ये सब चीज़ें पॉपुलर की, और आज ये मतलब जिस तरह से इतना लोग मुंबई में ब्रन मस्का हो गया या बड़ा पाव हो गया, उतना ही पॉपुलर साउथ इंडियन फूड भी है।
अलग कॉम्बिनेशन ढूंढ के निकाला आपने यहाँ पे इसका हमने हिसाब किया है। अब राम असरे में आप आए और हलवा पूरी खाएं, मतलब मैंगलोर बंस और साथ में खीरा खाएं। यहाँ पत्ता कहाँ से आता है? ये कलकत्ता का। कलकत्ता से आता है। तो आपको खाना तो राम प्यारी खाइए। राम प्यारी? हाँ। क्या होता है वो? हैदराबाद का काफी फेमस खाना है। हाँ पता है। यहाँ सौंफ ना खोपरा ना गुड़गन सिर्फ खजूर गुड़ा की पत्तियाँ के साथ। ये प्यार मिला उत्तर प्रदेश का मुंबई में। बहुत शानदार खाना, ठंडक ठंडक मिला। ये सब चटनी है, इसके यहाँ थोड़ा बताइए कहाँ से आती है? सर ये जो है ऊपर वाली जो वीवी की चटनी खास पूना से आती है हमारे। बाकी जो हमारी ये जो चटनी दिख रही है हमारे एक उनके भाई साहब हैं चचेरे बच्चा, उनके लड़के बनाते हैं। ये आती कानपुर से। सर तो आप लोग 1913 से? हाँ सर, बॉम्बे का सेकेंड शॉप है जिसके पास FSSI का लाइसेंस है, फूड सेफ्टी एंड ड्रग। देखिए हमारे शॉप को ना आपको तम्बाकू मिलेगा ना सिगरेट मिलेगा, सिर्फ सादा माल मीठा बन, ओनली फैमिली क्राउड। यहाँ पे जो लोग आपके यहाँ आते हैं मेनली आपके कस्टमर कौन से कम्युनिटी के हैं? कच्ची कच्ची गुजराती। एक केला भाजी साथ में सांभर और चटनी और ये कर्ड राइस। कर्ड राइस क्रीम लोग खाते ही मुझे अपने स्कूल का याद आ जाता है। कितना भी ट्राई करो घर पे ऐसा बनेगा ही नहीं। हाँ उम्दा। जो वाइट बटर ऐसा पिला रहा है जैसे ओनम सद्या में खाना खाने के लिए आया हूँ। जो हमने कल पाम फ्रूट खाया था उसका ये रस है।